पड़ोसी देखियो रहा तो जान गए रिश्तेदार हैं। जब चढ़ी गए तो अंदर गए तो ऐंचा खैची कह के नाक क्या कान क्या अल्लाह बल्ला आरी बारी किनारी सारी सब नोच घसोट के लाए और लपत धरी ने और बदमाने की के चले गए। अब मैडम जी उतरी जीना पड़ते तब चिल्लाती हैं लेगा लेगा आए कैसे का लेगा टेढ़ी पुलिया वल लेगा पहले उगा यहाँ धरा कि रात बजे के 12 बजे कौन का मैं आज सामने आ गया। बाबा गौतम ऋषि हाथ जोड़ी खड़े हुए गए मैया तुम्हारा बेटा गौतम आए दिन नहाने वाला चेला मैया ऐसे नहीं आया 4 बजे जैसे गंगा मैया ए विष्णु भगवान की सपुत्री हैं विष्णु पादाब सम्भूते गंगे द्रवत गामनी धर्म द्राविद विख्याते पाप में हरि जांग हुई। मैया गंगा ने सर्वश्रेष्ठ भजन किया है तब गंगा देखो धरी ध्याना करो चरित वहां लो जाना जैसे गंगा ने ध्यान करके देखा भैया तो उस समय जानते हो गंगा जी ने क्या देखा। जब बाबा गौतम ऋषि चले गए नहाए तो वही सींद्र का घिस मालूम गौतम काली और भेष बनाई बिल्कुल भैया बाबा गौतम ऋषि का सेम टू यू बिल्कुल बराबर गौतम ऋषि का वैसे रूप बनाया और वह तन का कपड़ा वह तन की दाढ़ी बनाया भैया तुरंत गया देवी दरवाजा खोलो ना मैया हिल्ला। एक बात बताई जो शुद्ध औरतें होती हैं जब आदमी ड्यूटी पर चला जाता है तो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं दरवाजा बंद कर लेती अपन घर में चाहे बात करें चाहे सुवाएं चाहे एलसीडी देखें चाहे टीवी देखें चाहे लड़ाई करें चाहे जो कुछ करें दरवाजा बंद है तो खतरा कम है। लखनऊ में यहां देखे लखनऊ में जाओ दरवाजा तुमका खुला कोई के नहीं मिली दरवाजा गेट कोई का नहीं खुला मिली काका सब सोते नहीं हैं सब जाग रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुला मिली। लखनऊ में बड़े बड़े हादसा हो गए लखनऊ में भैया चाहे तुम मारे जाओ कुलियम खड़े खड़े तो अल्लाह देखा करी कोई बोली ना काहे से नहीं उमा कोई अपन आए ना जय बकरी तय दिया सके जय बकरी तय बिरादरी की देहात में तो चल जाते है भैया गेट खुला पाएगे चौल लगा दिन गाड़ी स्टार्ट है उतरे 4 मुचंड चढ़ी गए घर के अंदर और पड़ोसी देखियो रहा तो जानते रिश्तेदार हैं। जब चढ़ी गए तो अंदर गए तो ऐंचा खैची कह के नाक क्या कान क्या अल्लाह बल्ला आरी बारी किनारी सारी सब नोच घसोट के लाए और लपत धरी ने और बदमाने की के चले गए। अब मैडम जी उतरी जीना पड़ते तब चिल्लाती है लेगा लेगा आए कैसे का लेगा टेढ़ी पुलिया वल लेगा पहले उगा यहाँ धरा। तो जो माताएं बहनें शुद्ध होती हैं वो दरवाजा खुला नहीं रखती हैं दरवाजा बंद कर लेती। अहिल्या मैया जब बाबा गौतम ऋषि गंगा नहाने जाते हैं तो अहिल्या मैया क्या करती दरवाजा बंद कर लेती। दरवाजा बंद देखा तो इंद्र ने आवाज दिया तो अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो रोज नहा का होता है 2 घंटम आवाज आए गए है 5-6 मिनटम का कोई चीज भूल गए कमंडल का। अहिल्या ने क्या किया सहज बिमल पगदीन बढ़ाई
सहज विमल मतलब सहजी मतिमा दरवाजा के पास गई तो एक पल्ला खोल दिया, एक पल्ला खोल दिया, फुल चेहरा नहीं दिखाई पड़ा, तो दूसरो पल्ला खोल दिया। जब दूसरो पल्ला खोल दी नेस तो इंद्र वैसे रूप में है तो अंदर घुस गया। अहिल्या ने दरवाजा फिर से बंद कर लिया, सोचा लाओ पुछल पूछ ले, स्वामी रोज स्नान करके आ जाते थे, आज स्नान करके बहुत जल्दी आ गए हो, का मतलब है और कोई दिक्कत? अब इन वे उनकी आंखी हो उल्ट अंगत बंगत, सब तो रूप बनाए लेकिन आंखी हो लौटी पौटी, वो चोर रहे ना। अब यह बातचीत होत रहा है, यह बातचीत होत रहा है, यह सब बातचीत मतलब सब कहा हाल कहा रहते हो फलान ढमाक हाल चल हो रहा है। तैले माता गंगा ने कहा, ए बेटा गौतम, मैं देख रही हूं तुम्हारे घर में बेटा छल हो रहा है, तुम तत्क्षण लौट जाओ, वो मुर्गा है ना वाला है, वो कोनो वो दालिम काला है, नौ मिला वो दालिम काला है कि तो पूरे दालिन काली है, जाओ बेटा। बाबा गौतम ऋषि जब सुनिन लेन का मंडल खड़बड़ खड़बड़ भागत है। गौतम ऋषि जी दौड़ती आए, देखा मन में बाण, द्वार पर जब खड़े भए तो पाए बंद निमाड़, देखा दरवाजा बंद है। बाबा गौतम ऋषि कुंडी खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, पति आया है। अब हिल्ले चक्कर पर गया, बताओ अब कौन वाय असली कौन वाय नकली, एक हाँक देती है दुआरे और एक है घरमा। अब हिल्ले चक्कर पर आहा, नैया फांसी बीच धार किसे क्या समझावे, नैया फांसी मजधार किसे क्या बतलावे। परंपार किसे हम अपनावे, आवाज दे रहे लेकिन अहिल्या दरवाजा नहीं खोली। आखिर में सोचा लाओ दरवाजा खोली अब क्या करें मेरे बंदों। अहिल्या धीरे धीरे जाती है, दरवाजा को खोल दिया, जैसे पल्ला दोनों दूसर भी पल्ला खोल दिया। इंद्र नहाए नकली तो वो अहिल्या पीछे छुप गए। गलत काम करने से चार चीजें चली जाती शरीर से, जिम कुपन थपक दे खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि बल लेसा, ये चार चीजें चली जाती। और जब बड़े क्या आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और अच्छे काम करते हैं तो शरीर के अंदर चार चीजें आ जाती। कौनी कौनी? अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धो पशो बिना चत्वार तस वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल।
ये चार चीजें बढ़ती हैं। इंद्र के शरीर से चारों शक्तियां निकल गईं। अहिल्या किस पीछे खड़ा है, बाबा गौतम ऋषि सामने खड़े। बाबा ने कहा देवी घर में कौन था, अब अहिल्या बोले ही नहीं और बाबा के धर धर गुस्सा चढ़े कि साठ गांठ है कहा जाना कुछ नहीं खेबा। उमा कहो मैं, उमा कहो मैं अनुभो यपोना, उमा कहो मैं अनुभो यपोना, उमा कहो मैं अनुभो यपोना, उमा कहो मैं अनुभो हरि भजन, सती हरि भजन जगते सब सपोना, सती हरि भजन जगते सब सपोना, सती भजन जगते सब सपोना। अनुभव की बात बड़ी होती है, अनुभवी कभी से बड़ा होता है। भाई बहनों देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बाबा गौतम ऋषि ने अनुभव नहीं लगाया, बाबा गौतम ऋषि ने समझा अहिल्या दोषित है। बाबा गौतम ऋषि ने तुरंत अहिल्या से कहा देवी तो बोल नहीं रही जा, हम तेरे को श्राप देते हैं, हम तेरे को श्राप देते हैं देवी। क्रोधित श्राप दीन ऋषि राई, क्रोधित श्राप दीन ऋषि राई, फल में शिला हो तुम जाई, को श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया कहा जाओ मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। जैसे कहा पत्थर हो जा, अहिल्या रोने लगी, अहिल्या रोने लगी और कहने लगी स्वामी मैं निर्दोष थी, आपने हमको पत्थर बना दिया, ओ हमको पत्थर बना दिया, ओ सैया हमको रुला दिया, सजन जी पत्थर बना दिया, ओ सैया रे आपने हमको पत्थर बना दिया। और सुना है कि बात तो सही है, प्रभु के बचन परे चाहे फीका, और संत बचन पत्थर की लीका, मुन के बचन होई ना भंगा, पूरब से पश्चिम बाहें गंगा। महाराज आपकी बाणी कट नहीं सकती, मोबाइल लगाओ चार्जिंग करो, चार्ज करो। जब कहा कि ये बाणी कट नहीं सकती तो बाबा बोले हाँ देवी ये बाणी नहीं कट पाएगी। अहिल्या ने पूरी बात बताया, बाबा गौतम ऋषि बोले देवी तुम्हें पत्थर बनना ही पड़ेगा, पत्थर बनना पड़ेगा। तो अहिल्या बोली महाराज केवल हमका यू बताए जाओ, नजरिया हो नजरिया हो हमरी ओर रखियो, नजरिया हो हमरी ओर रखियो, नजरिया ओ हमरी ओ।
महल बनायो, तू महल बनायो, महल बनायो, तू महल बनायो। अगर व्यवहार मानत हो, घर बड़ा बना लियो, लेकिन जब खाना खायो तो दिखावे खातिर महल बनायो, दो महला बनायो, महल बनायो, दो महला बनायो। खिड़किया खिड़किया ओ हमरी ओर रखियो, खिड़किया हो हमरी ओर रखियो, खिड़किया हो हमरी ओर रखियो, खिड़किया हो हमरी ओर रखियो। हमरी ओर नाला हमरी ओर रखियो, मोरी ओर रखियो, नजरिया नजरिया ओ हमरी ओर रखियो। स्वामी हमारी तरफ आप देखेंगे नहीं देखोगे, आप हमको श्राप दे दियो कि तुम्हारा शरीर पत्थर को हो जाए तो महाराज पत्थर तो बनेगा, लेकिन हमका यू बताओ हमारा उद्धार कब हुई, यू मनुष्य शरीर कम फिर से दोबारा मिली। और साधु वहां बढ़िया हो जो तनक है हम नरम तनक है हम, खूब गौर समझ लेना। संत असली वहां माना जाए जो तनकहम हो नरम और बातम हो गरम, असली संत के पहचान। लड़का देखियो ये संत जो होता है उसके दिमाग में गांठी नहीं होती, कोई बात चाहे दुख हो चाहे सुख हो खोपड़ी में यहाँ गठरी बांध के ना घूमियो कि हमका फलाने कहे दिन। टेम्पू वाले जो टेम्पू चलावत कम से कम दिन भर में लाखन सौ गाड़ी खाते, अगर वो गाड़ी के गठरी बांधे तो घर में कुरई हुई है गाड़ी, लेकिन गाड़ी खा तो बजारी जाए रही कोई मतलब ही नहीं, पैसा चाहिए गरिया लो कोई बात नहीं। कोई चीज कर गठरी ना रखो दिमाग हम, लड़का देखो नान नान लड़का ख्याल तो है माटी में, देख हम तो देखे एक लड़का ख्याल है माटी में यहाँ और ख्याल है जब बढ़िया माटी मिल जाए रोरी तो गप दिखा ली। बाप ने देखा मारा चट्टा बाटी के नाल है कभी ना मिट्टी खाता है, लड़का उन्होंने रोवर रोवत के घर है। मम्मी हाँ बाबू, मम्मी हमका पापन मालिन अहियां ले आसो बह कह आएगे हिया ले युवा है जन चौराहा इतिर पल्ले धीरे धीरे है उसके बाद खरा खा लिया जी है नहीं तो इतिर पल्ले आंसू आएगे बह कहे। मम्मी कहा लगेगा काहे मारिन पापन काहे मालिन काहे मारिन तो बतावे ला मम्मी हम माटी खेली रहन हमका बढ़िया जब माटी मिलता तो हम गप्पा दिखा ली रहन ते है माले हमका मालिन। मम्मी अब मम्मी तो मरी है नहीं, अगर मम्मी मरी तो लड़का जाई कहाँ, भाई बापन का है मारिन पापन का है मारिन इमा पापा क्या कौन साझा है यू तो हमारे आ रहा है हैं भाई। जवान दोपहर में कह रहा जवान बिन हाड़ के रहे चाहे जैसी लौट दियो
इका कोई घर घाट नहीं है। पापन क्यारी माँ कौन सा जा हमारा तो न्यारा है, हमारे न्यारा का कहे हमारी नहीं, तुम चुपा रहो। अब हम पापक मारा डंडा लो तो लड़े कौन के बढ़नी के लिए आक्सीजन निकाल ले। अब वह सने के घाव मारी है चले, बस लड़ी कौन चुप्पे हंस खुश हो गए खाली समझा दी लड़ी कौन चुपाए रहे और घमहा पानी समझो तुरंत आंसू ऊपर से बंद होगा, ये तेरा आंसू टंगा रहेगा। दुआरे है कहा कहा दे पापन पापन तुम हमका मान ले हो, अब है तुम काम मनिया। बस वही माटिम के फिर क्या ले लाग। तो लड़िकन कह रहे भैया कोई गांठे साधु आए जो माना जाए, जो तनक है मैं यहाँ नरम हो तनक है हम गरम। छोट लड़िकन के यहाँ साधु समझो भैया, इनका कुआरा कागज समझो, कलम क्या लिखा मिट्टी का बहु ना, पेंसिल से लिखा हुई तुरंत तो रबड़ से नहीं मिटा दियो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, ये बात पेंसिल से पहले लिखा हुआ जात, गलत हो तो वह चला रबड़ से साफ कर दो, कलम से नहीं पढ़ावा जाए। भैया बहनों तो सुनो, बाबा गौतम ऋषि संत हैं भैया, बाबा गौतम ऋषि को दया आएगा कि यार देखो कहाँ करे अब शराब दे दिया बड़ा गड़बड़ होगा। लेकिन बाबा गौतम ऋषि से जब विनती करने लगी तो बाबा गौतम ऋषि ने कहा जाओ देवी अगर उद्धार की बात करती हो तो जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें उद्धार तुम्हारा कब होगा। अब नहीं हुई, त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा हुई है रामचंद्र अवतारा। आश्रम हुए जब निकसे जाई, विश्वामित्र के साथ राम जी जाएंगे और उनके चरणों की जब तेरे ऊपर रज पड़ेगी, इनके चरण पर जरी छारा तब हुई है वो धार तुम्हारा। बताया कहा प्रायश्चित भोगना पड़ी, भैया अहिल्या तुरंत पत्थर हो गई। जब अहिल्या पत्थर हो गए तो कहा देखिन, अब बाबा गौतम ऋषि ने क्या देखा कि हमारे रूप मैया इंद्र बने, इंद्र बने भैया गौतम केरे भेषम घूमे। बाबा गौतम ऋषि कहा लाग इंद्र महाराज कल तुम्हार जय जयकार होत रहा है, आज तुम बताओ एक भाग के कारण यू बने घूमत। आदमी के जब मौत आवत है तो औरत की ओर भागत है, खूब समझ लियो, जब आदमी औरत ओर भागे ला गए झोंके ला गए तो जान जाओ इनकी मौत आए गए। अब और जब चिमगादड़ के मौत आवत है तो बेधारा ओर का जाते है, जब आदमी की मौत आवत तो औरत ओर जाते है, जब चिमगादड़ की मौत आवत है तो शहर की तरफ जाता है, अरे जब कुत्ता के मौत आवत है तो हाईवे रोड ओर जाते है। कुत्ता के मौत जब आओ तो हाईवे रोड पर जा लगा या लो कुत्ता के मौत आए गए। अब अहिल्या पत्थर हो गई, बाबा गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, इंद्र तूने मेरे घर में छल किया एक भाग के कारण, क्या हम तेरे को श्राप देते हैं। कहा गौतम छल किया वो हमारे, कहा गौतम छल किया वो हमारे, कहा गौतम छल किया वो हमारे, साहस भगई इंद्र तुम्हारे, गौतम चल किए वो हमारे, आओ इंद्र तुम हमारे घर में छल क्यों है, आओ जाओ इंद्र हम तुम्हें श्राप देते हैं कि एक भाग की जगह पर तुम्हारे हजार भाग हो जाएं। हजार भाग का मतलब समझो, हजार भाग का मतलब हजार तुम्हारे रोग हो जाए, एक दो रोग हो जाए तो माछी भन्न भन्न लगती, और जी के हजार बीमारी हो के भलम आदमी बैठी। आज भी पता लगा लो राम सीता गौरा गणेश लक्ष्मी दुर्गा भद्रकाली सब देवी देवतन के तुमका फोटो मिले हैं, लेकिन इंद्र क्या कहूं कैलेंडर फोटो नहीं पी हो,
क्योंकि शरीर देखे के लायक नहीं बचा है, देखे पाप लागत। बाबा गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और तैले देखने का चंद्रमा बने मुर्गा बने घूमे। बाबा गौतम ऋषि कहा लगा छिया पापी के संग देती हो है? जाओ तुम हो मजा ले लो संग दे क्या। एकदम बाबा गौतम ऋषि ने कहा जाओ चंद्रमा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के दिन अगर कोई शुद्ध आदमी तुमको देख लिया है तो बिना किए हुए कलंक उसके ऊपर लग जाएगा।